सोने के गहने तो हम सबको बहुत पसंद होते हैं और इसी तरह सोना हमारे स्टेटस की निशानी भी है। भारत में तो सोने से ही अमीरी गरीबी का पता लगाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है जिस सोने के आभूषण आप और हम इतनी खुशी से पहनते हैं वह धरती पर आया कहाँ से, इसको कैसे खोजा जाता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे ऐसे प्रोसेस करके आभूषण बनाते हैं। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य की कोलार, भुट्टी और ऊटी नामक खानों में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीरा बुद्दीनी और केंद्रू कोंचा की खानों से कुछ भागों से सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो हीरे या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैलेबराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट अयस्कों के रूप में यह पाया जाता है। अब ज़्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड से। इस वीडियो में हम झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं जहां से एक टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला जाता रहा है और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जाता रहा है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं स्टेप बाय स्टेप सोने के खोजने से लेकर आभूषण बनने तक की पूरी कहानी। नंबर एक, सोना कैसे खोजा जाता है। सोने का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR का प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे घनत्व, चुंबकीय गुण, रजिस्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जिसके आधार पर ग्राफ तैयार कर वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि मिट्टी के नीचे कौन सा तत्व है। इसके बाद कोर एनालिसिस की जाती है जिसमें जमीन के नीचे ड्रिलिंग कर थोड़ा थोड़ा मटेरियल निकाल कर उसका विश्लेषण किया जाता है। इससे स्थल विशेष पर नीचे क्या है इसकी सटीक जानकारी मिलती है। इसके अलावा जमीन के भीतर छिपी संपदा धातु, सोना, चांदी, तांबा आदि BLF टेक्नोलॉजी के जरिए भी पता लगाया जा सकता है। इसके लिए जमीन के भीतर तरंगे भेजी जाती हैं। एक बार इन तरंगों से टकराने के बाद BLF रिसीवर्स उस वस्तु के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और खास मेटल से टकराकर एक अनुगुंज पैदा करता है। इस तरह का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम करती हैं। इसके बाद पूरी प्रक्रिया 7 चरणों में पूर्ण होती है जिनमें से 4 प्रक्रिया मानव द्वारा की जाती हैं जबकि 3 प्रक्रिया रासायनिक होती हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर की जाती हैं। प्रक्रिया फर्स्ट, विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जाँच जियोलॉजिस्ट करते हैं, फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया सेकंड, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया थर्ड, बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है, फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल की ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है जिसमें पत्थर छन जाता है। प्रक्रिया चार, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल को धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। यदि जरूरत पड़ी तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं को भी करना पड़ता है। पहली रासायनिक प्रक्रिया, साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अमलगेशन। स्वर्ण अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है, फिर उसे मील में भेज दिया जाता है। मील में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है।
स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमलगेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर नहीं उड़ जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है और इसलिए इसके निकलते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया फ्लोटेशन एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाले तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देते हैं। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तेलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार ऊपर दी गई सोना निकालने की प्रक्रिया से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम इतने ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।